संपत्ति ब्यौरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल का कहना है कि ये बेहद ही गंभीर विषय है कि नियम होने के बावजूद मंत्री विधायकों के साथ ही खुद मुख्यमंत्री ने नियमों का उल्लंघन किया है। गणेश कोदियाल ने कहा कि चुनाव लड़ने के समय संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी होता है, लेकिन जिस तरीके से धांधली की गई उस पर कांग्रेस चर्चा कर रही है और खुद इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री सहित 44 विधायकों ने अपना संपत्ति वितरण विधानसभा को नहीं दिया था। ये खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना में हुआ था। अधिवक्ता नदीम ने बताया था कि मैंने विधानसभा सचिवालय से मंत्री और विधायकों के संपत्ति ब्यौरे की जानकारी मांगी थी, जिसमें पता चला कि 37 विधायकों के साथ 7 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था। गौर करने वाली बात ये थी कि सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल था और इसी नाम को लेकर अब गणेश कोदियाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, ये गंभीर विषय है, लेकिन आज सुबह आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी इस जानकारी को लेकर मेरे पास आए थे और ये बड़ा गंभीर विषय है कि नियम होने के बावजूद विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो उसमें तो कंपलसरी होता है कि आपको अपने ब्यौरा देना होता है। आप खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को कि आपके पास कितनी संपत्ति है। तो अब हमारा ध्यान उस तरफ भी गया है, तो अब उस तरफ भी स्टडी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।